स्वागत है आपका द ब्राइट फ्यूचर पढ़ा फ्यूचर में। दोस्तों हम एनटीपीसी के लिए स्पेशल वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के होंगे, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। सिंगल वीडियो में पूरे कंप्लीट शूट करूंगा मैं फिजिक्स के सारे, एक वीडियो में केमिस्ट्री का अलग वीडियो आएगी, बायो का अलग वीडियो आएगी। इन तीन वीडियो को जरूर देखिएगा जितने भी आरआरबी एनटीपीसी वाले हैं, ठीक है। उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी कॉम्पिटिशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सेम नेम से, चैनल के नेम से आपका, ठीक है। नीचे आपके लोगों भी दिख रहे होंगे, सब पे द ब्राइट फ्यूचर पैडागोजी नाम से हूँ मैं आपका, ठीक है। अपनी क्वेरी के लिए ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वैसे पीडीएफ के लिए चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए पहला कह रहा है, इसमें हम पढ़ेंगे फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है हु इज़ द पैसनलेस पार्टिकल, क्या होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं ना, मतलब कोई चार्ज नहीं होता उसको बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विच कलर इज द मोस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका होता है, पर्पल का होता है, याद रखिएगा। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द लेंस कैपेसिटी, क्या स्ट्रेंथ होती है आपकी डायोप्टर। देखिए गाइस कुछ बोलेंगे क्वेश्चन थोड़े छोटे हैं, गाइस आपको मटेरियल से मतलब होना चाहिए पढ़ने से, ठीक है। जो दिखावटी चीज़ है उस पर मत जाइएगा, आपको नॉलेज की चीज़ मिलेगी। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा क्वेश्चन और अच्छे साफ दिखाई दे पाए अपना, ठीक है, इतना थोड़ा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट कर द कंपोनेंट ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई आर, कौन से होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट कर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम कब कितनी होती है, -4°C, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। स्विमिंग इन वाटर इज पॉसिबल ड्यू टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कौन से रूल से होती है, थर्ड रूल से होती है आपकी। सेवन्थ कर व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ द रॉकेट्स बेस्ड ऑन, कौन सी मेथोलॉजी होती है, मोमेंटम और प्रोटेक्शन, क्लियर। नेक्स्ट इफ द हॉर्स स्टार्ट्स टू वॉक स्टेडिली देन द रीजन फॉर द फेल ऑफ द कैवलरी इन द, क्या होता है, रिलैक्सेशन इनर्शिया की वजह से होता है आपका। नेक्स्ट करा नाइन्थ फॉर क्लीनिंग द कारपेट इफ द बीटन विद स्टिक दैट विच रूल अप्लाइज, कौन सा रूल होता है, स्पीड इनिशिएटिव रूल आपका अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट टेंथ कह रहा आपका क्लियर है, ठीक है। हाउ मच ऑफ द आइसबर्ग फ्लोइंग इन द सी स्टेज अबव सी लेवल, कितना होता है, -0.01 होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इलेवंथ अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, इट इज द फर्स्ट हु हैड परफेक्टेड, मतलब किसने किया था, कोपरनीसियस ने किया था, कोपरनीसियस, क्लियर। नेक्स्ट है डाइट इन द प्रेशर कुकर इज रेडी इन अ शॉर्ट टाइम बिकॉज, क्यों होती है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज, बढ़ जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा है इज द बेस्ट ड्राइवर ऑफ हीट, कौन, व्हाट इज द बेस्ट ड्राइवर ऑफ हीट, कौन सा, मरकरी होता है आपका। नेक्स्ट हाउ इज द नेचर ऑफ साउंड वेव्स, कैसी नेचर होती है इनकी, लॉन्गिट्यूडनल होती है आपकी। 15 कह रहा है व्हाट इज द इंसिडेंट ऑफ रिटर्निंग टू अ स्मूथ सर्फेस ऑफ लाइट, कौन सा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट कह रहा है हाउ मच ऑफ द अर्थ ग्रेविटी इज क्लोजेस्ट टू द मून्स ग्रेविटेशनल, कितनी होती है, 0.1667 होती है आपकी। नेक्स्ट कह रहा है आपका व्हाट इज द शेप ऑफ द रेन ड्रॉप ड्यू टू स्फेरिकल शेप, कौन सी होती है, पेज स्ट्रेस होती है आपकी, ठीक है। ये 0.01 है गाइस, माइनस का नहीं है आपका, ठीक है। व्हाई डू स्मॉल पीसेज ऑफ कपूर डांस ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, क्या था, पेज स्ट्रेस ड्यू टू, इसमें ये 4°C गाइस माइनस का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आयरन डिपिंग इन द वाटर ड्रोन्स बट द शिप फ्लोट्स, व्हाट इज द दिस प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं उसको, थ्योरी ऑफ आर्चिमेट प्रिंसिपल बोल जाता है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द रूल ऑफ आर्चिमेट रिलेटेड टू, किस रूल से होती है, पेल्वेंस लॉ के थ्रू होती है आपका, ठीक है। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, कितना होता है, 98°F होता है आपका, क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कौन आपको होता है, हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है। विजन कैन बी करेक्टेड, किसके जाता है, कौन के लेंस के थ्रू किया जाता है आपके। नेक्स्ट हुज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ऑकर्स इन द बॉडी, कौन क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है। हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रोन, किसने किए थे, थॉमसन ने किए थे। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, ईट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टी से थॉमसन, पै से प्रोटॉन और रे से इचर्ड और ने से आपका न्यूट्रॉन और जैसे चैडविक, क्लियर। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट कह रहा है हू टोल्ड न्यूटन डेट ऑल द थिंग्स आर ग्रेविटेशनल टुवर्ड द अर्थ, किसने कहा था, ब्रह्मा गुप्ता ने बताया था आपका। नेक्स्ट कह रहा है क्रिकेट बॉल मस्ट बी स्ट्रक फ्रॉम विच एंगल सो दैट इट कैन बी विद द मैक्सिमम डिस्टेंस, कितनी होगी, 45° एंगल पे होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट कह रहा है हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी डेट कैन बी कन्वर्टेड इन टू वर्क, हु गेव द फर्स्ट डायरेक्ट प्रूफ ऑफ दिस, किसने बोला था इसको, रमफोर्ड ने बोला था या रदरफोर्ड होगा आपका, ठीक है, ये आर से रदरफोर्ड है।
29 कह रहा है विच साइंटिस्ट फर्स्ट मेल्ट टू पीस ऑफ आइस टुगेदर, किसने किया था, डेवी ने किया था आपका। 30वां कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इन द स्टीम इंजन विच कैन बी हाई, देर इज अ हाई प्रेशर इन साइड द बॉयलर। 31st कह रहा है विच मेथड इज बेस्ड ऑन द थर्मल कपलिंग थर्मोमीटर, ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सी वेव के थ्रू। 32 कह रहा है आपका व्हाट इज द फुल रेडिएशन एलिमेंट बेस्ड ऑन, किस पे होता है, स्टेफन लॉ पे। 33 कह रहा है आपका द टेम्परेचर, क्लियर दिख रहा है ना, हाँ, द टेम्परेचर ऑफ द डिस्टेंस थिंग सच एज सन एटसेट्रा मेजर्ड बाय विच थर्मोमीटर, किसको होता है, फुल रेडिएशन बाय एल्टीमीटर के थ्रू होता है। 34 कह रहा है एट वॉट टेम्परेचर वुड द रीडिंग बी द सेम इन सेल्सियस एंड फेरनहाइट, कितनी होती है, -40 डिग्री सेल्सियस पे होती है आपकी। 35 कह रहा है हाउ मेनी डिग्री ऑफ स्केल 0 डिग्री सेल्सियस फेरनहाइट स्केल वुड बी इक्वल टू सेल्सियस स्केल, कितनी होती है, 32 डिग्री पे होती है, 32 डिग्री आपका, क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6 फेरनहाइट इज हाउ मच विल बी इट ऑन द सेल्सियस, कितना होगा, -37 डिग्री सेल्सियस होगा आपका। नेक्स्ट कह रहा है 37 विच इज़ यूज टू एक्यूरेटली मीजर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल्स एटोमिक वॉचिज। 38 कह रहा है अ मैन ऑफ टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस इज हिज टेम्परेचर फेरनहाइट विल भी कितना होगा, 140 डिग्री फेरनहाइट होगा आपका। कह रहा है विच हीट मैक्सिमम इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, कितनी है, 4 डिग्री सेल्सियस। वाई डू साइकिल्स ऑफ बिट्स बस्ट इन द मोस्ट ऑफ द समर, मतलब टायर क्यों फट जाता है, द हीट गेट्स टॉन ड्यू टू द ट्यूब। 41 कह रहा है द सर्फेस ऑफ एनी लेक इज जस्ट फ्रीजिंग वाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द लेक इन, क्या होगा उसका, 4 डिग्री सेल्सियस होगा आपका। 42 कह रहा है वट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट टू, डू द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, क्यों मूव नहीं करते हैं, ड्राइविंग की वजह से। नेक्स्ट कह रहा है वट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट टू लिक्विड एंड गैसेस, क्या होता है, कन्वीनियंस बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है वट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन डज द हीट ऑफ द सन कम्स ऑन अर्थ, रेडिएशन के थ्रू आती है आपकी। 45 कह रहा है विच मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज नॉट नेसेसरी इन द मीडियम, रेडिएशन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपका व्हाट इज द मेथड ऑफ द हीट ट्रांसमिशन इन विच मीडियम पार्टिकल्स डू नॉट मूव, क्या बोलते हैं इसको, रेडिएशन। 47 कह रहा है व्हाट इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, कन्वीनियंस, रिपीट है ये। नेक्स्ट कह रहा है विच पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन हीट द सोलर कुकर, इंफ्रारेड रेज करती हैं आपकी। 49 कह रहा है विच सोलर कॉम्बिनेशन इज द मोस्ट सुटेबल फॉर अवॉइडिंग सनलाइट, कौन सा कहता है, ब्लैक बॉटम वाइट। 50 कह रहा है विच मेथड इज यूज टू ट्वीक द वॉल्स ऑफ थर्मोफ्लास्क टू मिनिमाइज हीट ट्रांसफर, कौन कहता है, रेडिएशन। 51 कह रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट वैल्यू, किसकी होती है, वाटर की होती है। व्हाट इफेक्ट डज मेल्टिंग पॉइंट ऑन मिक्सिंग एनी अदर सब्सटेंस इन द प्योर सब्सटेंस, क्या होता है, डिक्रीज होता है आपका उस टाइम पे। कह रहा है व्हाट इफेक्ट डज मेल्टिंग पॉइंट बाय मिक्सिंग द, क्या होते हैं, कर्व्स करती हैं उसको, इफेक्ट डालती हैं उस पर। 54 का वेयर विल इट टेक लॉन्गर टू कुक राइस, क्यों लेते, कहाँ पर होगा आपका, माउंट एवरेस्ट पर, जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी उतना ज़्यादा चीज़ बनने में दिक्कत होगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती आपकी। कह रहा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ फ्लूड बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू इट्स वेपर, क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपका व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी मीट्स द थर्मोडायनेमिक्स, क्या बोलते हैं, पहला रूल होता है आपका। विच कंसेप्ट ऑफ द फर्स्ट रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक कन्फर्म्स, एनर्जी कंजर्वेशन है आपकी। नेक्स्ट कह रहा है ऑन व्हाट पॉइंट इज द फेरनहाइट टेम्परेचर डबल द टेम्परेचर वार्म, 160 डिग्री फेरनहाइट। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, किस पे होती है, ऑन द मैटर ऑफ द बॉडी। विच टेम्परेचर ऑफ मेजरमेंट इज इक्वल टू 30 केल्विन इन सेल्सियस, कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। 61 कह रहा है हु कैन एब्जॉर्ब द रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी ऑन हाई वेवलेंथ, होगी वो करेंगे। 62 कह रहा है इन द विंटर सीजन व्हाट काइंड ऑफ वेदर डू वी फील मोर कोल्ड, किसके होते हैं, फेयर वेदर की तरफ से। कह रहा है विच एक्शन इन द क्लियर पॉट रिमेन कोल्ड वाटर, किसकी वजह से होता है, वेपराइजेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट कह रहा है हु फर्स्ट क्रिएटेड द विस्टल वेव्स बाय प्रोड्यूसिंग विस्टल, किसने की थी, गोल्ड ने करी थी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट 65 कह रहा है व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी पे करता है आपका। 66 कह रहा है विच इज यूज टू क्लीनिंग द इंटरनल पार्ट ऑफ द प्लेन्स, कौन करती है, मोल वेव्स यानी कि मॉलिक्यूल्स वेव। 60 कह रहा है व्हाट फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वाइब्रेशन इन ह्यूमन, कितनी होती है, 20 to 20,000 हर्ट्स होती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है विच मीडियम विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, किसके होता है, आयरन। नेक्स्ट कह रहा है नो साउंड थिक और थिन बिकॉज ऑफ व्हाट सिम्टम साउंड इज, किसके होती है, तरवा, क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड बाय नॉइज, कौन होते हैं, एयरप्लेन फ्लाइट करते हैं सबसे आपकी।
71 कह रहा है विच प्रोसेस डज नॉट ऑकर बोथ इन लाइट एंड साउंड, ये क्या नहीं होता, पोलराइजेशन नहीं होता आपका। 72 कह रहा हाउ लॉन्ग डज द इफेक्ट ऑफ साउंड रिमेन इन द ह्यूमन ईयर, 1/10 सेकेंड आपका, क्लियर। 73 कह रहा है साउंड वेव्स कॉज इकोज, किसकी वजह से करती हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से करती हैं। 74 कह रहा हाउ फार शुड अ पर्सन बाय स्टैंडिंग ऑन द रिफ्लेक्टिव फ्लोर टू लिसन टू द इको, फीट, 56 फीट की दूरी पे आपका, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट प्रिंसिपल ऑफ स्टेथोस्कोप डज द साउंड वर्क, किस पे करती है, रिफ्लेक्शन के उस पे वर्क करती है आपकी। 76 कह रहा है अप्रोचिंग ट्रेन इज इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और शार्प विशल कॉज सो व्हाट इवेंट, क्या करती हैं, डॉपलर इफेक्ट की वजह से करें। नेक्स्ट कह रहा है विच टाइप ऑफ वेव इज यूज्ड इन द नाइट विजन डिवाइस, कौन सी यूज होती है, इंफ्रारेड वेव होती है आपकी। 78 कह रहा है अ जेट एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग इन द एयर विद द स्पीड ऑफ 2 mph व्हेन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 32 mph, सो हाउ मच दैट एयरप्लेन मूव, कितना का 664, यानी कि इसका जस्ट डबल हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी, क्लियर। 79 कह रहा है इन विच मीडियम विल द स्पीड ऑफ साउंड बी गिवन एट अ टेम्परेचर ऑफ 20°C, आयरन का रिपीट क्वेश्चन है। अ बायो सिस्टम इन विच द एक्विस्टिकल साउंड इज यूज, किसमें यूज होती है, सोनोग्राफी, ठीक है, एक्विस्टिकल में साउंड के लिए यूज होता है आपका। कह रहा है विच वेव कैन नॉट ट्रांसमिटेड इन जीरो, साउंड वेव होती है आपकी, ठीक है। 682 कह रहा है आपका व्हाट इज द डिवाइस दैट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई साउंड वेव्स एंड फॉर लूजनेस, किस सोनार होती है आपकी, ठीक है, जो समुद्र के अंदर यूज होती है। 83 कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ वेव इज द लाइट वेव, कैसी होती है, ट्रांसफर वेव होती है आपकी। 84 कह रहा है विच वेव प्रिंसिपल ऑफ लाइट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, किस पे थे, बाय हाइजीन, क्लियर। 85 कह रहा है ऑन व्हाट बेसिस द लाइट ट्रांजिट ऑफ लाइट वेव्स कंफर्म, किसी होते हैं, पोलराइजेशन, रिपीट है आपका। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ लाइट, किसने करी थी, मैक्सवेल ने करी थी आपकी। 87 कह रहा हु फर्स्ट शो दैट द देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव्स, किसने करी थी, ग्रैमेल्डी ने की थी आपकी, ठीक है। 88 कह रहा है विच फिनोमिना डज नॉट ऑकर बोथ इन लाइट एंड साउंड, पोलराइजेशन, रिपीट है, ठीक है। 89 कह रहा है विच प्रिंसिपल कन्फर्म द वेव नेचर ऑफ लाइट, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। 90 कह रहा है हाउ मच टाइम डज लाइट टेक इन द कमिंग ऑफ मून फ्रॉम सन टू अर्थ, कितने लेते हैं, 1 सेकंड लेती हैं आपकी। हाउ मच टाइम डज द सन रीच फॉर रीचिंग टू द सन, मतलब कि कितने मिनट सन रीचिंग टू द अर्थ आएगा आपका, ये मिस्टेक है, कह रहा 8 मिनट 16.6 सेकंड, तो इसको हम राउंड ऑफ 8 मिनट के आसपास लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, कितनी होती है, 3 × 108 mph होती है आपकी। 93 कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द सन अपीयर्स एट द सेम टाइम ऑफ सोलर इक्लिप्स, कहते हैं कोरोना बोलते हैं इसको, कोरोना, चलिए रहा। 94 कह रहा है व्हाई डज अ कॉइन लाइंग इन अ वेसल फुल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी स्लाइटली रेज्ड, क्यों, मतलब रीजन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देता है ऊपर उठा हुआ। 95 कह रहा है व्हाट इज द रोड डिप इन वाटर विच सीम्स टू बी बेंड ड्यू टू विच, किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वही आपका, ड्यू टू विच द स्काई पीयर्स ब्लू, किसकी वजह से, डिस्पर्जन की वजह से दिखाई देती है हमें। 97 कह रहा है एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट व्हाट इज द कलर ऑफ रेड इन द स्काई, किसकी वजह से होता है, डिस्पर्जन की वजह से होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट कह व्हाट कलर रिफ्लेक्शन इज ग्रेटर इन रेनबो, में कौन सा होता है, पर्पल कलर होता है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाई डज द ड्राई सैंड ब्लॉसम व्हाइल द वेट सैंड इज इमैकुलेट, द रीजन फॉर दिस इज क्या, किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। 100 कह रहा है विच मिरर यूज टू मेक अ पेरिस्कोप, कौन सा मिरर यूज होता है, प्लेन मिरर होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ कोडिलेज द एक्विफायर, क्या होते हैं, एक्सरे की वजह से। 102 कह रहा है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ क्रिएटिंग अ ब्राइट कलर इन द थिन फॉर्म ऑफ सॉप, प्लांट रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस, प्लांट सॉरी प्लेन होगा आपका ये, ठीक है। 103 कह रहा है व्हाट टाइप्स ऑफ मिरर यूज टू ऑटोमोबाइल टू सी द ट्रैफिक ऑन द बैक साइड, कॉन्वेक्स यूज होता है आपका, ठीक है। 104 कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज टू हेडलाइट ऑफ द व्हीकल्स, कौन सा होता है, पैरानोइड मिरर। 105 कह रहा है आपका व्हाट टाइप ऑफ मिरर शुड बी यूज टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड योर कार, कौन सा होता है, नॉर्थ मिरर, ठीक, कॉन्वेक्स मिरर ही होता है आपका। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इमेज इज रिफ्लेक्टेड ऑन द ह्यूमन आई रेटिना, कौन सी कहती है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल ही नहीं होगा, रियल होगा, ठीक है, रियल इन्वर्टेड। 107 कह रहा है व्हेन अ मटेरियल इज प्लेस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स मिरर देन विल द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म, कितनी बनती है, इनफाइनाइट बनती है आपकी उस टाइम पे। 108 कह रहा है इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग बिटवीन टू प्लेन मिरर्स व्हिच इज इन 60° एंगल देन हाउ मेनी रिफ्लेक्शन विल इट अपीयर, कितना होंगे, 5।
एक सुनो करा, वी गेट सनलाइट ऑन द पेज ऑफ द अर्थ, व्हाट काइंड ऑफ लाइट इन दिस लाइट, कौन कैसी होती हैं, पैरेलल चलती हैं आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ अ डायोप्टर, क्या होती है कैपेसिटी ऑफ द लेंस, लेंस की कैपेसिटी पर डिपेंड करती है आपकी। नेक्स्ट कह रहा, हाउ मेनी कलर्स इज मेड ऑफ व्हाइट लाइट, कितने बनते हैं, 7 कलर बनते हैं। विच कलर वेवलेंथ इज मैक्सिमम, किसकी होती है, रेड की होती है आपकी। हाउ मेनी कलर्स कितने होते हैं, 7 अगेन है वो, सन में व्हाइट लाइट होती है आपकी। नेक्स्ट कह रहा, इफ देयर इज नो एटमोसफेयर देन व्हाट कलर विल द स्काई अपीयर फ्रॉम द अर्थ, कैसे दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा आपका, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द फोटोग्राफिक कैमरा वर्क्स लाइक अ रेटिना ऑन द आईज, मूवी आई थिंक 116 करा, व्हाट टाइप ऑफ लेंस यूज इन द कैमरा मैन, कॉन्वेक्स लेंस होता है आपका, ठीक है, ये मिस्टेक है इसमें। नेक्स्ट करा, ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई द इमेज इज मेड, किसके कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है। विच पार्ट ऑफ द आई इज अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई थ्रू द आई, आईरिस के थ्रू एंटर करती है आपकी। नेक्स्ट करा, विच पार्ट ऑफ द डोनर्स आईज इज ट्रांसप्लांटेड इन आई डोनेशन, कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है आपका। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ क्लियर विजन फॉर अ हेल्दी आई, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर तक। करा, इफ समवन कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली देन व्हाट विल बी द फ्लो इज इन हाई नियर साइट, मतलब कि जिसको दिखता नहीं है, दूर का नहीं दिखता, ठीक है। नेक्स्ट करा, विच लेंस इज यूज टू आई ग्लास फॉर द पर्सन विद डिस्टेंस आई साइट, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। हाउ शुड पीपल यूजिंग ग्लासेस यूज माइक्रोस्कोप, दे शुड बी वियरिंग ग्लासेस, माइक्रोस्कोप को देखने के लिए हमेशा ग्लास यूज करने चाहिए। 124 कह रहा है, अ पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट विद अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 1 मीटर क्लियरली, व्हाट पर्सन इज दैट पर्सन सफरिंग फ्रॉम अवे विजन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, 25, व्हाट डज द क्लॉक यूज टू लुक एट द फाइनर पार्ट्स ऑफ द क्लॉक, रिकरेंट लेंस होता है आपका उसमें। विच ऑप्टिक डिवाइस इज यूज टू इंस्पेक्शन ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, विजनरी। 127 कह रहा है, इन व्हाट फॉर्म ऑफ द सिग्नल्स फ्लोइंग इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, लाइट वेव। 128 कह रहा है, विच ऑफ द ग्लास कैन डिसेक्ट एंड अल्ट्रावायलेट रे करता है, क्रूक ग्लास करते हैं आपके। 129 कह रहा है, विच ऑफ द टाइप्स ऑफ लाइट डज एक्वेट एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट, ब्लू एंड रेड करते हैं आपके, क्लियर। 130 कह रहा है, व्हेन द वेव्स ऑफ लाइट पासिस थ्रू द ग्लास इन टू द ग्लास देन व्हाट इज द रिएक्शन विल बी अफेक्टेड, ओनली वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। 131 कह रहा है, विच लेंस इज यूज टू रिमूव क्लोज अप्रोचेस टू डिफेक्ट्स, इम्प्लिक्ट। 132 कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ इमेज डू द कनकेव लेंस अवे मेक, वर्चुअल एंड रिफ्लेक्शन, वर्चुअल एंड इरेक्ट बोल सकते हैं उसको। 133 कह रहा है, फाइबर ऑप्टिक यूज इन कम्युनिकेशन ओनली वर्क्स ऑन विच मीन, किस पे करता है, फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। 134 कह रहा है, हाउ डू वी जनरेट वाइट लाइट इन द ट्यूब, बाय हीटिंग द फाइबर। 135 कह रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट गोइंग थ्रू द मेटल, कितनी देर ग्लास में जाएगी, तो 136 होगी आपकी। नेक्स्ट कह रहा है, ऑन व्हाट डेट इज योर शेडो द स्मॉलेस्ट आफ्टरनून, कब होती है, 21 जून को होती है आपकी। 127 कह रहा है, हुज फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी इज फोटोन, किसकी होती है, लाइट की होती है आपकी। 138 कह रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द पार्टिकल ऑफ रेडिएशन बीइंग कंफर्म, लाइट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। 139 कह रहा है, विच लेंस शुड बी यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज, सिलेंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है। 140 कह रहा है, द अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्लेस बाय विच इन द करंट स्ट्रीम, रेक्टिफायर को। 141 कह रहा है, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ लाइट बल्ब में, किसके बने, टंगस्टन के बने होते हैं आपके। 142 कह रहा है, हाउ मच ऑफ द स्पेंट एनर्जी इन ट्यूब लाइट इज कन्वर्टेड इन टू लाइट, 60.7। 143 कह रहा है, हु इन्वेंटेड द लाइटनिंग कंडक्टर, किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। 144 कह रहा है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, अगर ड्राई होती है, ओम, 10 डिग्री ओम, ठीक है। 145 कह रहा है, विच मेटल इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यूरेनियम यूज किया जाता है आपका। 146, व्हाट इज द सेमीकंडक्टर चिप यूज इन द इंटीग्रेटेड सर्किट, कौन सी यूज की थी, सिलिकॉन की जाती है। 147 कह रहा है, इफ द इलेक्ट्रो रेजिस्टेंस ऑफ एनी फॉर्म इज रिड्यूस टू जीरो देन व्हाट इज द सब्सटेंस कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, सेमीकंडक्टर बोला जाता है। 148 कह रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रोप्लेटर टू कंट्रोल, किसको बोलते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स को बोला जाता है। 149, व्हाट इज द कॉल्ड इन इनम्यूरेबल सुपर कंप्यूटर कंप्यूटेबल स्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग और एटम्स विद इन द आयरन मैग्नेटिक सब्सटेंस डोमेन। 150, इन व्हाट डायरेक्शन डज द फ्री सस्पेंशन रिमेन, नॉर्थ साउथ
डायरेक्शन। 151 कह रहा है आपका, व्हाट इज द यूज ऑफ द रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन मेकिंग इट, किसका यूज होता है जनरेटर। 152, अर्थ इज अ वेरी बिग मैग्नेट, इन विच डायरेक्शन डज द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेंड, साउथ टू नॉर्थ, नीचे से ऊपर। 153, टू फोटोन्स इन एटम विच एलिमेंट, टू न्यूट्रॉन्स एंड टू इलेक्ट्रॉन्स आर, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ द मास नंबर, कितना होगा चार होगा, ठीक है। 154 कह रहा है, अंडर व्हाट मेथड इज द एज ऑफ अर्थ डिटरमाइंड, यूरेनियम मेथड के थ्रू। नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ हैवी वाटर D2O इन द न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर। 156 कह रहा, व्हाट इज द यूज ऑफ कोलाइज नोजल्स टू जनरेट X-ray। 157 कह रहा, इन द एक्सप्लोजन ऑफ अ न्यूक्लियर बॉम्ब ड्यू टू विच ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी कम्स आउट, चेंज इन द एनर्जी ऑफ मैटर की वजह से। 158 कह रहा, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूज इन सेमी कंडक्टर वाट आर द इम्प्योरिटीज मिक्सड विद, किसकी वजह से इंक्रीजिंग इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। 159, व्हेन यू एंटर न्यूक्लियर आर्सेनिक इन जर्मेनियम लैक्टिस देन इट बिकम वॉट, कैसे होती है एक्सटर्नल सेमी कंडक्टर। 160 कह रहा, विच मेटल यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यूरेनियम, अगेन रिपीट है। नेक्स्ट 160, हु वॉज द ऑर्थर ऑफ कृष्णा चंद्रा थ्योरी, चंद्रशेखर। 162, नोबल प्राइज लॉन्च इन द नेम ऑफ एल्फर्ड नोबल हु इज इन्वेंटेड ऑफ डायनामाइट, जिन्होंने डायनामाइट बनाया था। 163, हु इन्वेंटेड द एयरप्लेन इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी, राइट ब्रदर्स ने कहा था। 164, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नोल एंड रस्का। 165, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज बाई मेडिकल डॉक्टर्स प्रोफेशनल, क्योंकि स्टेटोस्कोप यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू नो द स्टेटस ऑफ द सबमर्ज ऑब्जेक्ट इन द ओशियन, सोनार यूज किया जाता है। 168, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इन द इंटेंसिटी ऑफ द सन्स रेस, क्या होगा था हाइग्रोमीटर। 168, व्हाट इज द रोटेशन पर सेकंड ऑफ अ फ्लाइंग व्हील मेजर्ड बाय, स्ट्रोबोस्कोप की वजह से किया जाता है। 169, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज बाय फिजिशियन, स्टेटोस्कोप। 170 कह रहा है, चंद्रा एक्सरे बाइनोकुलर्स वर नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द साइंटिस्ट, एस चंद्रशेखर के नाम पे। 170, विच साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सरे न्यूक्लियर। 170, पायरोमीटर यूज फॉर मेजरिंग, किस लिए होता है हाई टेम्परेचर नापने के लिए। व्हाट इज द वर्क शीट, जूल में होती है, वर्क में किस नाता है जूल में। हु इज द लाइट, लाइट क्या होता है डिस्टेंस बोलते हैं, ऑफ डिस्टेंस को, यानी कि मेनली आपकी दूरी, प्लानट की दूरी को लाइट, लाइट ईयर बोला जाता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट करें, ह्यूज लूमन इज अल्फाबेटिक, फ्लेम ऑफ ज्योति। क्यूरी, हुज यूनिट्स नेम किसकी होती है रेडियो एक्टिव के लिए यूज किया जाता है आपका। 177, विच फिजिशियन, विच फिजिकल अमाउंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोपोर्शन ऑफ मैटर्स एंड प्रोपोर्शन ऑफ वेलोसिटी, मास। 178, व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ सोलर एनर्जी थ्रू द यूज ऑफ लाइट वोल्टिक सेल, ऑप्टिकल एनर्जी। 179 कह रहा है, द यूज ऑफ हायरार्किकल ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल व्हीकल्स इज एक्चुअली एज ए डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ विच रूल, पास्कल लॉ। 180 कह रहा है, व्हेन मिल्क इज कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग देन व्हाई डज द क्रीम सेपरेट फ्रॉम इट, ऑटो सेंटर फोर्स की वजह से। 181 कह रहा है, विच जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन, किसकी वजह से था लीनियर मोमेंटम की। 182 कह रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इक्विलिब्रियम सरफेस फ्रॉम सरफेस, कितनी होती है 36,000 किलोमीटर। 183 कह रहा है, हु सैंग द यूनिवर्सल रूल ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन। 184, विच 1 kg इज ट्रू वैल्यू ऑफ वर्किंग ग्रेविटेशनल अर्थ ऑन द मास, कितना होता है 9.8। 185 कह रहा है, गाइस इस टाइप से मिल जाएंगे नेक्स्ट में आपको ना, ठीक है, वो थोड़े छोटे हो गए थे। कह रहा, हाउ मच इज अ हॉर्स पावर इज इक्वल टू, कितनी होती है 7460 वॉट होती है आपकी। 186 कह रहा है, व्हाई डज द आयरन नीडल स्विम ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, पेज स्ट्रेस की वजह से। 187 कह रहा, हाउ मेनी एक्सिस अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल कैन इट बी डिटरमाइंड टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, 45 डिग्री सेल्सियस। क्लियर गाइस, ये तो मैंने खाली आपको वो कराए हैं, अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो मैं 6 से लेकर 10 तक की NCERT पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने वो पढ़ ली तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं उसके बिहाव पे, ठीक है। सबका बेस वहीं से बनता है, सारे क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, ये तो वन लाइनर थे, वहाँ मैं आपको अच्छे समझा पाऊँगा, ठीक है। होप आपको वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।